सुजैन कैंडिडेट्स, कैसे हो आप सभी? सभी से बेहतर और बढ़िया और जबरदस्त हो गया। वैसे के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन सभी कैंडिडेट के लिए एक सजेशन है, जो दूसरों के कमेंट से लाइक कि भैया वो चलता है, जुगाड़ चलता है, फेक होता है और ऐसा चलता है, मतलब इन कमेंट से सावधान रहा करो, ठीक है? इनके पास और कुछ काम नहीं होता लाइक दूसरे को डिमोटिवेट करना। खुद फॉर्म जरूर फिल करेंगे, ठीक है, अदरवाइज हो या ना हो, क्योंकि मैं कमेंट्स देखता हूँ, तो इनसे मतलब वो मत किया करो। अगर आपको फॉर्म नहीं फिल करना है, तैयारी नहीं करनी, ये एक ऐसे मतलब रिक्रूटमेंट है, अगर हो जाता है सिलेक्शन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जानने वाले लड़के थे जिनका सिलेक्शन हुआ, मैंने टेलीग्राम पर जिनका रिजल्ट आया था उसी दिन पोस्ट किया था इस वाली रिक्रूटमेंट का, BSF RORM का, तो डेफिनेटली ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आई मीन ऑफिशियल वेबसाइट डेफिनेटली आप सभी देख सकते हो, और हम यहाँ पे बात करेंगे कि इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और अभी आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, कि फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है तो आप सभी के सामने हमने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पे हम चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या आपकी चीजें कंडक्ट कराई जाती हैं, ठीक है। तो हम सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और भी एक बार, अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट सेक्शन में आज के लिए आपस में डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, अगर प्रिपरेशन करना है, क्योंकि देखो 2 महीने हैं। हाँ, पोस्टें जरूर कम है मैं, बट लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, जो कैंडिडेट कोस्ट गार्ड की तैयारी करते हैं, उनसे तो ये ठीक ही है, ठीक है। DB के लिए 50 वैकेंसी होती हैं, इसमें पूरा ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को फिल करता है। GD के लिए लगभग कैटेगरी वाइज अगर बात करोगे तो किसी भी कैटेगरी के लिए 100 पोस्टें नहीं होती हैं, किसी भी कैटेगरी वाइज अगर निकालोगे, ठीक है। तो अगर फिल करना चाहो उससे कम फीस में है, और यहाँ पे आप सभी के लिए इस वजह से बेहतर होने वाली है क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स रहेगा, और जो मोस्टली कैंडिडेट होते हैं उतना फिजिक्स पे ध्यान नहीं देते, मतलब 12th के बाद अगर कोई SSC वाला है तो कहाँ फिजिक्स करता है, नहीं तो और भी कोई अगर फॉर्म आता है SSC का, जैसे कोई ट्रेड्समैन का फॉर्म आता है उसमें 20-25 लाख फॉर्म तुरंत फिल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्म जरूर 7-8 लाख तक पहुंच जाएगा। एयरफोर्स नेवी की तुलना में डबल ट्रिपल फॉर्म फिल होगा लगभग, लेकिन फिर भी, ठीक है। तो हम पूरा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट लगाना चाहता है, सॉरी पेपर तो ऑफलाइन होगा तो ऑफलाइन ही लगा लेना, तो मैंने फ्लिपकार्ट और एग्जाम यहाँ पे देखे थे, तो ये एक आपका है प्रैक्टिस टेस्ट बुक, यहाँ पे 4.1 की रेटिंग है, ठीक है। और एक और भी है, यही है BSF RORM के लिए, तो हेड कांस्टेबल के लिए है, देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम कार्ड BSF हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक एग्जाम के लिए, क्योंकि 1 महीने का आपके पास टाइम है, तो ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मंगा सकते हो। 155 प्राइस यहाँ पे मुझे दिख रहा था, यही मैंने एग्जाम उस पर भी Amazon पे चेक किया था, वैसे पेपर बैक पर 104 रुपीज़ पे मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ऑफलाइन मंगा लेना, पेपर ऑफलाइन है तो 155 कुछ प्राइस यहाँ पे, 15 प्रैक्टिस सेट है और 2 इसका सॉल्व पेपर है, यहाँ पे इसका वो भी अवेलेबल था, मतलब कि किस तरह का है, तो वो चीज़ भी मैंने डाउनलोड किया तो दिखा देता हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसे जूम कर देता हूँ, BSF सीमा सुरक्षा बल हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक, थोड़ा सा नीचे बढ़ते हैं, 15 टेस्ट है, 2 मॉडल सॉल्व पेपर भी है, और यहाँ पे इस पे दिखा दिया इस तरह का कुछ पेपर पैटर्न पे ही है, देखो जैसे 1 to फिजिक्स के क्वेश्चन है 1 to 40, तो सेम टू सेम 40 क्वेश्चन फिजिक्स के हो गए, उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स का आपका मैथ्स स्टार्ट है, मैथ्स के बाद यहाँ पे क्या है आपका मैथ्स हो गया, मैथ्स के बाद आपका केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद आपका क्या है इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद आपका जो भी है सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है एग्जाम पैटर्न पे फुल सॉल्यूशन के साथ, तो डेफिनेटली चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं और जो चीजें हम डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस, तो वैकेंसी हाँ उतना ज्यादा नहीं है पहले के कंपैरिजन में भाई, वैकेंसी पहले इनिशियल कट ऑफ काफी, अब जैसे SC ST कैटेगरी भाई 125 नंबर पे हुआ है, लेकिन हाँ जनरल OBC के वैकेंसी ज्यादा नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा वो जनरल के बराबर है, उनसे टॉप पे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, संडे से लेकर 10 से 12 बजे के बीच में ये पेपर होगा और 3 से 5 के बीच में ये पेपर होगा, आप दोनों भी फॉर्म फिल कर सकते हो, यहीं कहीं पे मेंशन होगा। और उसके बाद ये देखो BSF की ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं,
उसका टीएटी पीएसटी सबसे पहले आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद दूसरा टास्क आपका ये होगा, सेकंड फेज ये आपका होने वाला है। ओके, सेकंड फेज आपका ये होने वाला है। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, नीचे चलते हैं हम अपन। डॉक्यूमेंटेशन और उसके बाद यहाँ पे डेट्स मेंशन नहीं की गई है, लेकिन सेकंड फेज के बारे में लास्ट में ये डेट्स भी मेंशन कर दी गई थी। इस बार हुआ क्या था, थोड़ा सा दस उसी बेसिस पे चीजें कंडक्ट कराई गई थी। डिक्टेशन टेस्ट के लिए कि परेशान मत हो, सारे के सारे वैसे यहाँ पे 50 नंबर का एक टेस्ट होता है, जिसमें 17 से 18 नंबर कुछ परसेंटेज नंबर हमें लाने होते हैं पास होने के लिए। मोस्टली सारे के सारे कैंडिडेट पास हो जाते हैं, तो इसको भी लेके परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ SCRO एंड रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई डिक्टेशन टेस्ट, आपको क्वालिफाई करना होगा। और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट हो गया, ओके यहाँ पे दिस स्टेट, तो आप रीडिंग ये मतलब इसका टेंशन लेना, ये आप क्लियर कर लोगे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है। थर्ड फेज आपका फुल आपका मेडिकल एग्जाम होगा और फॉर्म डेट्स विल बी नोटिफाइड व्हाइल रिसीविंग एडमिट कार्ड फॉर फेज थर्ड, तो उसके बारे में आपका बाद में बताया जाएगा कि आपका डेट वगैरह कब होगी। तो तीन चीजें मैंने बताई, आरएम के लिए कुछ चीजें होंगी कुछ चीजें नहीं होंगी, आरएम के लिए कुछ चीजें होंगी कुछ चीजें नहीं होंगी, समझ में आ। तो फाइनल रिजल्ट जो आपका बनता है वो कैसे बनता है, देखो आप दो पेपर दोनों दे सकते हो, एक आरओ का एक आरएम का, टोटल 200 मार्क का पेपर, 250 मार्क का, और यहाँ पे देख सकते हो 200 प्लस 50 मार्क, ओके ये 50 मार्क का क्या है भैया, तो देखो भाई 200 में 50 मार्क का आपका डिक्टेशन होता है। टॉप जो फाइनल तब तो भाई 83 नंबर गया था, मतलब पेपर तो बहुत कैंडिडेट ने निकाला, लेकिन जो फाइनल आपका कट ऑफ गया वो लगभग EWS कैंडिडेट का बात करता हूँ तो 145 के लगभग फाइनल कट ऑफ गया है, 145 के लगभग EWS का फाइनल कट ऑफ गया है, ठीक है। 250 में 145 नंबर होते थोड़ा ज्यादा है, लेकिन आपको पता है इतना कंपटीशन है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। इफ यू आर गुड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देन आप इतने क्लोज पहुंच सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 250 में EWS का जरूर था इतना, जनरल वालों का बात करते तो 165 तक है, 165 तक है जनरल का, ओबीसी का लगभग 170 तक है, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा इन कैटेगरी दो कैटेगरी का ज्यादा हो गया डिक्टेशन में, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ने अच्छे नंबर मारे थे यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं टोटल मार्क्स ऑप्टेन फॉर MR बेस्ड रिटेट, यहाँ पे 200 नंबर पे मेरिट बनेगा जो RM का देंगे, RM का जरूर इस बार मेरिट काफी अच्छा खासा जाने वाला है। 200 में से लगभग जो कैंडिडेट 160 तक पहुंचेगा उसी का होगा, क्योंकि यहाँ पे पोस्टें में लगभग 30 पोस्टें हैं, तो 160 तक आई थिंक 150 टू 160 कट ऑफ पे मत जाया करो, मतलब एक मैं अंदाजा देता हूँ कितना इतना अगर आप कर लोगे तो डेफिनेटली हो ही जाएगा। कैंडिडेट हू स्कोर मोर मार्क्स इन टोटल विल बी प्लेस्ड हायर इन मेरिट, जो ज्यादा मार्क मतलब स्कोर करेंगे उनको मेरिट पे रखा जाएगा, वो चीज हमें यहाँ पे बताई जा रही है। और परसेंटेज ठीक है वो हमें बता रखे हैं कैसे क्या चीजें, तो मेरिट का आपने देख लिया कैसे क्या चार स्टेप में आपका हुआ। एलिजिबिलिटी कंडीशन आप 10+2 पास हो, 18 साल से ऊपर हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक। आगे सिलेक्शन प्रोसेस का मैंने तरीका बताया, पहले आप फॉर्म फिल करो, सबसे पहले आप फॉर्म फिल किया आपने, फॉर्म फिल करने के बाद दूसरे नंबर आपको क्या करना है, एग्जाम देना है, एग्जाम देने के बाद तीसरा नंबर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो जल्दी आ जाता है, कुछ ज्यादा डिले वगैरह नहीं होता। रिजल्ट के बाद आपका फेस सेकंड एग्जाम होगा, फेस सेकंड के लिए आपको फिजिकल भी अच्छा रखना होगा, इसके बाद आपका सेकंड स्टेज में ही आपका डिक्टेशन टेस्ट हो जाएगा, फिर आपका फाइनल मेडिकल एग्जाम भी होगा, बस इसी के बाद आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एज यहाँ पे देख सकते हो 18 से 25 साल है, और भी चीजें हैं, SC ST कैटेगरी कैंडिडेट को छूट मिलती है, फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कैंडिडेट हाइट को लेकर कंफ्यूज है वो यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। सर आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल भी यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 157 सेंटीमीटर उनका भी हाइट होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे मिनिमम स्टैंडर्ड हाइट का, यहाँ पे 162.5 सेंटीमीटर, ये दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट जो यहाँ से बिलोंग करते हैं ट्राइबल एरिया से, उनके लिए यहाँ पे रखी गई है ये हाइट। बाकी गर्ल्स के लिए 154 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखी गई है, फीमेल यहाँ पे नॉर्मल 157 सेंटीमीटर है। लद्दाख से कश्मीर से इन सभी जगह से अगर कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए हाइट यहाँ पे फीमेल के लिए, वहीं पे मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है। इन अगर आप एरिया से बिलोंग करते हैं कुमाऊं गढ़वा गोरखा सिक्किम पर्सन पलटास
ये सब आरोप आने वाले चेंजेस इलेक्ट्रिक चेंजेस एक से काफी है, लेकिन एक वो खुद ही बोल रहा था।